भाई सफाई की जिम्मेदारी से। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मामला है गुजरात का, बड़े गंभीर मामला है, ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा भी। मेरा बहुत दिन से मन था इस विषय में चर्चा करने का, पर सोचता था इस विषय को कब लेकर आऊं, लेकिन आज मौका मिला तो सोचा इस विषय पे बहुत गंभीरता के साथ आपके साथ विचार विमर्श करना ज़रूरी है। मुद्दा क्या है, जैसे आप जानते हैं हमारा देश जाति धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बहुत बढ़ चुका है। पहले बात करते थे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, एकता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तमाम जो ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं, दिल कहीं ना कहीं अंदर से मतलब मन सा भी रोता है यार कि मतलब हो क्या रहा है यार, कुछ लोग ख़राब हो सकते हैं, सारे तो नहीं है यार। अभी कर्नाटका का मुद्दा देख लो आप किस तरीके से चल रहा है। अभी इस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात का मामला है, यहाँ पर एक फ़ौजी का परिवार, जी हाँ, भारतीय सेना का एक फ़ौजी, उनके छोटे भाई की शादी थी। कहाँ का ये मामला है वो भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने नोट करके रखा हुआ है। ये जो है बनास कांठा है कोई, पालमपुर तालुका में, इसमें मोटा गांव है, तो वहाँ के रहने वाले हैं। हुआ क्या कि इनकी शादी थी आज, फौजी के छोटे भाई की शादी थी, तो गांव वालों ने ही दलित परिवार से नाता रखते हैं, तो घोड़चढ़ी की रस्म हो रही थी, घोड़ी चढ़ने के लिए दूल्हा तैयार था, दूल्हा जो है घोड़ी भी चढ़ गया। अब जितने भी बराती थे उन्होंने अपने सर पे जो है एक पगड़ी नुमा एक कपड़ा बांध लिया, तो गांव में ही जो है कुछ एक खास लोगों ने, मतलब वही तो कहते हैं देश क्यों टूट रहा है, क्योंकि खुद देश में एकता नहीं है। हिंदुओं में अलग अलग जाति बांट रखी है लोगों ने, मैं राजपूत हूँ, तू जाट है, तू गुज्जर है, तू ये है, तू वो है, तू दलित है, मतलब क्या है यार ये। और क्या आप जानते हो कि ये जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, पहले से जो चलती आ रही हैं, इससे देश को कितना बड़ा हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कभी इसके बारे में कभी सोचा है किसी ने? शायद सोचा होगा तो कभी इसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करी होगी, जिसको आज हम विचार करने वाले हैं। अब देखा देश में कितने सारे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, जानते हैं क्यों हो रहे हैं? ऐसे लोग जिम्मेदार हैं जो अभी भी 2022 चल रहा है, अभी भी जात पात को धर्म को लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित लोगों को मंदिरों की चौखट पे नहीं आने दिया जाता है। कड़वा सत्य है, बोलने में बहुत दुख हो रहा है पर ये सत्य है। आगे हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो होता क्या है, दूल्हे तैयार होकर घोड़ी पे बैठते हैं, तभी वहाँ से कुछ लोग जिनको पहले से धमकी दे रहे थे कि घोड़ी पे कौन ही बैठेगा, सिर पे मोटा से कौन ही बांधेगा, ये तो खाली जो है खास तबके की एक निशानी है, आप लोग पगड़ी नहीं बांध सकते, ये हमारी पगड़ी का निरादर है। कौन सी पगड़ी की बात कर रहे हो भाई तुम लोग यार, सिर पे कपड़ा बांध लिया पगड़ी बन की इज्जत जो है ना विचारों से बनती है, सिर्फ सर पे एक ताज रख लेने से नहीं बन जाती। उसके बाद इस परिवार के ऊपर पत्थरबाजी शुरू करी गई, जिसमें कि पत्थरबाजी में एक बराती का, दलित का जो है सर में चोट आ गई। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट हो जाती है, पुलिस आती है तो गांव के सरपंच समेत तकरीबन 28 लोगों के ऊपर FIR हुई है, जैसा कि न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया है। तो कभी आपने देखा है कि हम बड़ी आसानी से बोल तो देते हैं कि देखो किस तरीके से लोग ये जो है धर्म की बातें कर रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कई बार हिंदुओं को भी हिंदू गालियाँ दे रहा है, अभी मंदिरों में जाके मूर्तियों को ऐसे कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इनका सिर्फ ब्रेन वॉश नहीं किया गया, इन्होंने जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें भी देखी हैं, और कड़वा सत्य आपके साथ आज मैं साझा करने जा रहा हूँ। कड़वा सत्य क्या है कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, ऐसे परिवार भी हैं आज की तारीख में भी गाँवों में, देहातों में, इनफैक्ट शहरों में भी, और इनफैक्ट मैं सही बताऊँ तो बड़े बड़े सरकारी महकमों में भी अभी तक ये प्रथा है कि कोई एक खास समुदाय का व्यक्ति किसी अलग समुदाय के व्यक्ति के साथ उसके बर्तन में पानी पी ले, उसके बर्तन को हाथ लगा दे तो उसको भी फेंक दिया जाता है, दूरी बना के बात करने के उससे बातें की जाती हैं। कोई बेचारा पिछड़ा हुआ किसी गांव में, किसी ऊंची जाति के, मैं ऊंची जाति इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ने ये सब चीज़ें बांट रखी हैं, कि घर पर जाता तो चौखट पर खड़ा होकर बात करता, उसे घड़े का पानी नहीं पी सकता, घर में उसके बर्तन से पानी नहीं पी सकता, तो किस बात की आज़ादी ली है भाई हमने, किस बात के लिए देश आज़ाद हुआ है जब इतनी घुटी हुई मानसिकता के साथ अभी भी इस देश में लोग जी रहे हैं? तो बड़ी शर्म आती है ऐसी हरकतों के ऊपर। और उससे बड़ी तो बात यह है कि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो बच्चों में भी डिस्क्रिमिनेशन, जो खास एक बेचारा पिछड़े समाज का बच्चा है वो ज़मीन पर बैठ के पढ़ेगा, आपको शायद यकीन नहीं होगा पर अभी तक भी ऐसी बहुत चीज़ें चल रही हैं ऐसे गाँव में, वो पिछड़े समुदाय का बच्चा है तो ज़मीन पर बैठ के पढ़ेगा, वो बराबरी नहीं करेगा, या फिर उनके क्लासरूम को अलग कर दिया जाएगा, कैन यू इमेजिन? लेकिन ये कड़वा सत्य है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे आए दिन आते रहती हैं, हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं।
हद तो तब हो जाती है जब एक भगवान जैसे एक पवित्र मंदिर में भी ये कुछ खास लोग अपनी इस टाइप की चीज़ें दिखाते हैं। ये बेचारे पिछड़े में बार बार क्यों बोल रहे हैं कि इनको पिछड़ा बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? इनके काम को देखते हुए इनको स्पेसिफिकली उस काम से जोड़ के छोटा बना दिया गया है, इनको नीचा अपने आप को ऊपर बड़ा बना दिया गया है। क्योंकि यार बड़ी शर्म की बात है यार, मतलब पहले गांवों से इनको गांव के बीचों बीच रहने की बजाय गांवों के बाहर छोड़ देगी, कभी डाकू अटैक करें तो सबसे पहले ये मरे। इनके ऊपर तो कोई डाकू अटैक करेगा नहीं क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं। जब तक ये शोर मचाएंगे हम अलर्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा तो ये चैन पता है आज से नहीं, ये सदियों से चलती आ रही है। गांव देहातों से ही जाति धर्म की चीज़ें बहुत पहले शुरू हो रखी हैं। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है तो स्कूलों में भेदभाव। नाली तो साफ़ करवाना अच्छा लगता है, नाली में गंद करना तो अच्छा लगता है, लेकिन साफ़ करने वाला जो इतना बड़ा काम कर रहा है उसको आप ऐसे घृणा की नज़र से देखते हो। गंद कचरा फैलाना तो आपको पसंद है, लेकिन कचरा उठाने वाले की आप एक जात निर्धारित कर देते हो। उसको चौकट पे नहीं आने देते, उसके हाथों से खाना नहीं खा सकते, वो हाथ से छू दे किसी चीज़ को तो उसको उठा के फेंक देते हो, ऐसे जलील करते हो, बदनाम करते हो। तो मुझे लगता है कि भारत माता भी यदि देखती होगी ना अपने देश का ये हाल, तो भी शायद खून के आंसू रोती होगी और बोलती होगी कि भगत सिंह आज़ाद, ये है हमारा देश, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप की धरती पे, शिवाजी महाराज की धरती पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है यार, ये कौन इसको रोकेगा? क्या कोई सरकार रोकेगी? ये आप और मैं रोकेंगे, आम नागरिक रोकेगा? मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मैं ऐसा नहीं कि सफाई अभियान तो अभी चला है, कल परसों, अभी कुछ सालों से आप सुन रहे हो। हमारा खुद मेरे गाँव में एक कम्युनिटी है यूथ की, जिसमें कि बड़े से बड़ा अधिकारी हो या फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर हो या कोई टीचर हो, गांव बस्ती का हर एक व्यक्ति, हम जब ऐसे एक मोहल्ले में पहुंचते थे जहां पे दलित और पिछड़े लोग रहते थे, या फिर मैं बोलूं कि SC ST वाला जो इलाका जहां पे लोग रहते थे, जब उनके गली में झाड़ू लगाने जाते थे वॉलंटरली, तो देख के अचंभित हो जाया करते थे शुरू में कि अरे ये चौधरी और यहाँ हमारे कुनबे में हमारे इलाके में आके झाड़ू लगा रहे हैं, ये कौन सा मतलब कोई कुछ अनोखा दृश्य है क्या? ये मतलब कुछ संसार बदल गया, धरती बदल गई है। हमने पता है क्यों किया? क्योंकि गांव में हम युवा के मन में एक एहसास दिलाना चाहते थे कि आप किसी से पीछे नहीं हो, आप हमारे भाई थे, हो और रहोगे, जो पहले हो गया सो हो गया, अब सारी बातों को मिटाओ भुलाओ और जो भाईचारा पहले था बड़े बुजुर्गों में उसको दोबारा से निभाएंगे, पुरानी जो रीतियाँ क्रूतियाँ चलती आ रही हैं उसको मिटाएंगे। एक ही शुरुआत थी और मुझे बहुत प्राउड है इस बात का कि मेरे घर पर, मेरी चौखट पर जो भी कोई भाई आता है या जिस मुझे धर्म का, मेरे घर पर बैठता है, साथ में बैठ के खाना खाता है, पानी पीता है और मुझे सम्मान की नज़र से देखता है, मुझे नहीं, मेरे पिताजी को भी, मेरे परिवार को भी, क्योंकि ये इनिशिएटिव हमने लिया और इनिशिएटिव आपको भी लेना पड़ेगा। एक ये जो कड़वाहट अभी आ गई है उसको मिटाना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि भाई आप हमारे भाई हो, हम सबसे तो लड़ लेंगे पर आपस में हम ऐसे लड़े मरेंगे, धर्म को बांटेंगे तो कैसे बात बनेगी? और ये सिर्फ दो खास जातियों के बीच नहीं है, आप देख लो आए दिन सोशल मीडिया पर टुच्चे लोग दंगे भड़काते रहते हैं, कोई राजपूत गुजर को गाली दे रहा है, गुजर राजपूत को गाली दे रहा है, सब नहीं कर रहे, ये टुच्चे और घटिया लोग कर रहे हैं, गुजर हो, जाट हो, अहीर हो, राजपूत हो, या कोई भी हो, गौतम हो, कोई भी हो, हम सब में छत्तीस बिरादरी का भाईचारा यार, चाहे भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, हम सब में एक बहुत अच्छा भाईचारा है यार। लेकिन इस भाईचारे को कौन तोड़ रहा है, कैसे ये टूट रहा है, कैसे ये टूट रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो कई बार आपको भी लगता है कि हम धर्मनिरपेक्ष बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि कभी चैनल पे जाएगा और इसकी जो चैनल की जो अबाउट सेक्शन है उसमें जाके पढ़ेगा कि हमारे क्या रूल्स हैं इस चैनल पे, जो हम अपने साथियों को एक बात बोलते हैं उसको जाके पढ़ेगा तो शायद आपको रियलाइज़ होगा कि हम क्यों और किस मुद्दे पर बातें करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, भाईचारा, एकता, अखंडता, क्यों हम ये सब बातें करते हैं? क्योंकि देश एक रहे, जो लोग तोड़ रहे हैं उससे देश बचे और आपस में हम मिलजुल के बाहर वालों को मुँह तोड़ जवाब दे सकें। यदि हम आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे तो बाहर की कंट्री भी मजाक उड़ाती हैं, वो भी तमाशा देखती हैं। अभी ये जो कर्नाटका में हिजाब का और भगवा का ये जो चक्कर चल रहा है, पाकिस्तान से टिप्पणी आई तो खुद ओवैसी ने भी उनको लताड़ा, बोला कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, हम आपस में जो भी करें। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और यही बात मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस को भी एक होना पड़ेगा। यह आए दिन अपनी सस्ती राजनीति करने के लिए जो देश के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं, सेना के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं, बड़ा ही दुख होता है यार। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो अभी 7 जवान शहीद हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें, उनके सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा।
जिस हादसे में उनकी सभी की जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए, प्रभु उनके परिवार को ये दुख से लड़ने की शक्ति दें, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है। दोस्तों आप शेयर कीजिएगा वीडियो को, हर एक व्यक्ति पहुँचाएगा, हो सकता है कि आपके एक पहल से, एक शेयर से कुछ लोगों का विचार परिवर्तन हो जाए। तो ख्याल रखिएगा अपना और प्लीज़ सबका सम्मान कीजिएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं है यार, हम सब एक हैं, एक तभी बनेंगे जब इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ेंगे और दिल से एक दूसरे को अपनाएंगे, सिर्फ बातों से नहीं। जय हिंद।